दोस्तों, किस धनुष के बाण से सीता जी के लिए लक्ष्मण जी ने खींची थी लक्ष्मण रेखा, और क्या है लक्ष्मण रेखा का सच? दोस्तों, सीता हरण की उस कहानी के बारे में आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब माता सीता ने कुटी के बाहर एक स्वर्ण मग देखा, तब उन्हें वह स्वर्ण मग पसंद आ गया और उन्होंने उसे लाने का अनुरोध करा। इस पर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को माता सीता का भार सौंपकर स्वर्ण मग को लेने चले जाते हैं। वहीं वह मारीच राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है और राम जी की ध्वनि निकाल कर कहने लगता है, सीता लक्ष्मण मेरी मदद करो। इस पर माता सीता दुखी हो जाती है और लक्ष्मण जी को श्री राम की मदद करने के लिए भेजती है, लेकिन लक्ष्मण जी मना कर देते हैं कि जरूर कोई माया है। लेकिन माता सीता कहती है कि आपके भाई श्री राम संकट में है, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो तो त्रिलोक स्वामी है, उन पे कैसे कोई संकट आ सकता है। लेकिन फिर भी माता सीता नहीं मानती और लक्ष्मण जी को भेज देती है, और लक्ष्मण जी जाते समय अपने धनुष बाण से कुटिया के चारों ओर रेखा बना देते हैं और माता सीता को कहते हैं कि माता किसी भी दशा में आप ये रेखा को पार ना करें। और उसके बाद में माता त्रुटिवश इस रेखा को पार कर देती है और उसके बाद क्या होता है ये तो जगत प्रसिद्ध है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में सीता जी को लक्ष्मण की रक्षा में छोड़कर राम रथ को जब मारने के लिए जाते हैं, इसमें माना गया है कि लक्ष्मण सीता के कटु वचन सुनकर जब राम को सहायता के लिए जाते हैं तब ऐसी कोई रेखा खींची ही नहीं गई थी। इसका कोई उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। जब रावण परिजा वक्र के रूप में सीता के पास पहुंचता है और उनके आतिथ्य सत्कार ग्रहण करता है और उसके बाद अपना असली परिचय देता है, तो माता सीता के सामने लंका की महारानी बनने का प्रस्ताव रख देता है। इस पर माता सीता के कटु वचन सुनकर रावण राक्षस के रूप में प्रकट हो जाता है और माता सीता का हरण कर लेता है। वहीं नरसिंह पुराण के अनुसार रावण सन्यासी के रूप में आकर सीता से कहता है कि भरत आ गए हैं और उन्होंने आपको ले जाने के लिए मुझे भेजा है। राम भी मृग को फंसाकर अयोध्या जा रहे हैं। यह सुन सीता सत्यमेव विमान पर चढ़ती है और रावण की सीता जी का स्पर्श नहीं करना पड़ता। वहीं वृद्धम पुराण में रावण सीता के पास आकर कहता है कि कौशल्या आपको देखने के लिए इच्छुक है। भास्कृति प्रतिमातन में इस कहानी का कलक रूप से पाया गया है। हम जितनी जगह पढ़ते हैं उतनी जगह सीता हरण का अलग अलग रूप से विस्तार किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी यही है कि लक्ष्मण माता सीता के चार कुटिया की चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींचता है और रावण साधु का वेश धर कर आता है। वहीं आपको बता दें कि जिस धनुष बाण से सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई थी वह बेहद चमत्कारी धनुष बाण गांधारी के बाण से खींचा गया था, जो कि इतना चमत्कारी था कि कोई भी उस बाण की अभिमंत्रित रेखा पर यदि पैर भी कर दे तो उसका पैर ही जल जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।